ये पूरा फ्री है और पूरा इंडियंस ने बनाया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया भाई। तो सबसे पहले लोकेशन पे हम आ चुके हैं, ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट शांति स्तूपा जो सामने आप देख रहे हैं। हम कंबोडियन मोनेस्ट्री, जिस देश में मुझे जाना पसंद नहीं है वहीं का है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी मैं जाना नहीं चाहता आप वहाँ पे कभी भी। सो वहाँ का आर्किटेक्चर मैंने देखा हुआ है, सिमिलर वैसा ही आर्किटेक्चर है यहाँ के टेंपल का, और यहाँ पे भी चारों तरफ पेंटिंग आप देख सकते हो, वाओ। और ये पेड़ पूरा उल्टा बनाया हुआ है भाई, नेक्स्ट लेवल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त ही। मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है सुबह 8 बजे नेपाल से, पहला व्लॉग अपना नेपाल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कल वाला व्लॉग, मतलब एंड तो नेपाल में हुआ था, स्टार्टिंग अपनी नेपाल से पहले व्लॉग की हो रही है भाई। तो रात को अपन ने मस्त सा टेंट वहाँ लगा लिया था, आराम से वहाँ सोए थे भाई मस्त, और आंटी जी ने खाना बढ़िया खिलाया था कसम से। कल रात काफ़ी परेशान हुए थे, आप देख सकते हो ये हाईवे है और साइड में सारा जंगल है और कुछ भी नहीं था पूरे हाईवे पे, लगभग सभी कुछ बंद था, सिर्फ यही एक शॉप खुली हुई थी और इसके बगल में ये शॉप खुली हुई थी, दो शॉप्स थी ये। और अगर आप हाईवे से निकल रहे होगे तो ये शॉप पता भी नहीं चलेंगी खुली है कि नहीं खुली है, ऐसे ही निकल जाओगे। और काफ़ी हद तक सब चीज़ें क्लोज हो गई थी, काफ़ी लेट निकले थे ना अपन, कल बच गए थे अपन को 6:30 बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और उसके बाद हम जब अंदर को छे बंसर बना के फ्री हुए हैं, बारिश हो रही थी, मतलब 8:30 लगभग वहीं बच गए थे हमें, तो 9 बजे के आसपास कुछ भी नहीं मिल रहा था, काफ़ी चीज़ें क्लोज हो चुकी थी। तो बढ़िया था अपन को ये मिल गए और खाना भी मिल गया कोई दिक्कत के बगैर। तो अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय मिल गई अपने को मस्त, तो चाय पीते हैं बैठ के भाई। सो भाई अपने व्लॉग्स देख रहे हैं, भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई भी ब्लॉगर बनना चाहते हैं हमारे तरह नेपाली ब्लॉगर सो ये आगे अपनी बस सी चाय, आंटी ने मस्त खाना बनाती, मस्त चाय बनाती कसम से, एक नंबर चाय है, वाह। क्या बोल रहे आंटी को दिखा दीजिए। अच्छा आंटी काम भी करती है यहाँ ना, लेकर ना सारी शॉप्स पे कॉमनली बिक रही है, जैसे थाईलैंड में बिकती है ना वैसे, आप देख रहे हो, देखो इनके पास भी लेकर है, लगभग सभी शॉप पे मिलती है। और पता है क्या प्राइस है ईयरली, मतलब लेकर का लाइसेंस अगर आपको लेना हो नेपाल में, सिर्फ 20,000 इंडियन करेंसी तो आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा, 30,000 नेपाल करेंसी, तो इतना सस्ता है भाई। हमारे इंडिया में तो लाख देने पड़ते हैं भाई, लाखों में देना पड़ता है महीने के भी काफ़ी सस्ता है सच्ची। सो भाई सामान वामान लगभग हमने सारा पैक कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, बेसिकली चाउमीन और मोमोज खा रहे हैं भाई नाश्ते में। वैसे तो ब्रेकफास्ट में कभी ऐसा कुछ खाया नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर मुझे श्योर है यहाँ पे ना चाइनीज फूड बहुत टेस्टी मिलता है नेपाल में, तो खाएंगे तो मज़ा आएगा काफ़ी। इवन जो इनकी चटनी थी ना मोमोज की, एक नंबर थी कसम से यार, खाना बहुत टेस्टी है यहाँ पे, आके खा के देखो कभी। यहाँ आ चुके अपनी चाउमीन, एक चाउमीन लिया मन ने, सो यहाँ आ चुके मोमोज, और बेस्ट पार्ट पता क्या है, 1, 2, 3 तरीके की चटनियाँ है भाई। सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे ये लगती है कसम से खाते भाई खाना, और फिर आपको घुमाते हैं नेपाल। नेपाल में हम सबसे पहली जो लोकेशन घूमने वाले हैं वो है लुम्बिनी घूमने वाले हैं आज, और आपको वहाँ के बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत टेम्पल्स दिखाएंगे, अलग अलग कंट्री के भी और बहुत खूबसूरत भी। सो कल रात में हमने लुम्बिनी क्रॉस करके आगे आ गए थे, बेसिकली सलोनी बॉर्डर की तरफ ही आ गए थे, पर अभी हमें याद आया कि भाई हमें वहाँ जाके ना बहुत टेम्पल्स देखने हैं भाई, तो रात को तो वो क्लोज हो गए थे तो देख नहीं पाए, और रात को कोई ढाबा भी नहीं मिल रहा था, उसके चक्कर में मैं काफ़ी इतना आगे आना पड़ा, पर इस वक्त हम वहाँ जाके पूरे सारे टेम्पल्स देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के, और जहाँ पे बहुत बुद्धा जी पैदा हुए हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपको एक्सप्लोर कर दिखाएंगे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ ने ना अपने अपने टेम्पल्स बना रखे हैं वहाँ पे बौद्ध जी के, तो सारे देखेंगे आपको भी दिखाएंगे चलो। सो सामान तो सारा ढाबे पर रख दिया हमने, और खाली बाइक लेके जा रहे हैं हम बेसिकली, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 15 किलोमीटर दूर तक ही जाना है, तो चलते हैं भाई एक्सप्लोर करने। नेपाल के अंदर ना साइड मिरर्स कंपलसरी है, और इसका चलान भी है, अपने दिल्ली में तो नहीं है खैर, और इवन यूपी में भी नहीं है इस चीज़ का चलान, पर यहाँ पर है, तो मेरी बाइक में कंपलसरी लगवाना। तो हम देख रहे हैं इस वक्त शीशा कहाँ मिलेगा, अगर हम कोई शहर की तरफ पहुँच गए तो वहाँ चलान हो जाएगा भाई, फिर वहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे। और बेसिकली जो दूसरी कंट्री से बाइक आती है यहाँ पर, मतलब इंडिया से बाइक आएगी तो उनके ऊपर चलान कर देते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है गाड़ी बाहर से आई है और रूल फॉलो नहीं कर रही तो चलान करते हैं, तो इसलिए हमें ढाबे वाले भैया ने बताया था आप आगे चलते हुए ना कहीं से शीशा लगा लेना, नहीं तो शीशे का चलान हो जाएगा आपका, तो शीशा लगवा ले रहे हैं। और भाई ने हेलमेट पहना हुआ है, मैंने पगड़ी बांधी हुई है, तो चलान नहीं होगा भाई। तो भाई मिरर्स लगा लिए हमने बाइक पे दोनों साइड,
और मिंडा के ही मिल गए थे बढ़िया, तो भैया ने बोल दिया ये लगवा लो आप आराम से, आप इंडिया में भी यूज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मिरर्स लगा लिए, अब लगे रहेंगे, हटाने नहीं है। एक चीज बता दूं, अगर हमारा चलान घटता तो 500 रुपए से ऊपर का ही होता, तो मिरर भी उतने में ही लग गया और बार बार चलान से ही बच गए। तो चलते हैं भाई सीधा। सो भाई वैसे बहुत खुशी हुई मुझे इस हाईवे पे चलते हुए, मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये हाईवे ना काफी हद तक हमारे इंडिया के हाईवे को टक्कर दे रहा है, मतलब इंडिया के हाईवे को मतलब पीट भी कर रहा है मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाद में मुझे पता चला ये जो हाईवे है ना लुमली वाला हाईवे जितना भी है, ये पूरा हाईवे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है बेसिकली बौद्ध गया के लिए, मतलब जो बौद्ध धर्म है ना उनके लिए ये पूरा हाईवे का पैच बना है। सो इस हाईवे पे आपको टोल नहीं पड़ता है, मतलब इंडिया के लिए भी टोल नहीं है, इवन जो नेपालीज भी इस हाईवे पे चलेंगे उनके लिए टोल नहीं है। और ये पूरा हाईवे मतलब जितना पैच है ना समवेयर अराउंड 30-45 किलोमीटर, ये पूरा फ्री है और पूरा इंडियंस ने बनाया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया भाई, है ना। अच्छी बात, गर्व वाली बात है, काफी गर्व फील हो रहा है मुझे। तो सबसे पहले लोकेशन पे हम आ चुके हैं, ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट शांति स्तूपा जो सामने आप देख रहे हो, चलते हैं आपको पास से भी दिखाते हैं भाई, काफी खूबसूरत है। सो काफी ब्यूटीफुल सी जगह है भाई, गार्डन है साइड में काफी ब्यूटीफुल से भाई साहब, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, काफी खूबसूरत से लग रहे हैं। फ्लावर्स भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं। ये एरिया जो होता है ना बेसिकली सब शांति के लिए होता है, बहुत धर्म पूरा ही शांति का है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप यहाँ होगे तो पीस बहुत मिलेगा आपको। और ये वर्ल्ड बिगेस्ट शांति सुपा है, सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, नेपाल के अंदर है ये और सामने देखो कितना ब्यूटीफुल है। अभी आपको पास से भी लेके चलते हैं, बौद्ध जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। और ऊपर कुछ मेरे ख्याल से पिकॉक टाइप का बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो वाओ है ना भाई, जमाई बेइज्जती है भाई पूरी पूरी भाई टिकटॉकर्स की, बिल्कुल बैन है टिकटॉकर्स यहाँ पे भी। काफ़ी ब्यूटीफुल सा शेर बना हुआ है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के से। चलते ऊपर की तरफ, काफ़ी यार मतलब गर्म सा है, और स्लीपर्स उतरवा दिए पीछे, शूज वूज उतार के जा रहे हैं हम सुपा के ऊपर, लेकिन ये जो मार्बल है ना ये गर्म है काफ़ी सीरियसली। सो आप देखोगे काफ़ी जगहों पर लिखा होगा साइलेंस प्लीज़, तो ज़्यादा तेज़ बातें नहीं कर सकते, आराम आराम से ही बातें करनी है और आपको सब चीज़ें दिखानी भी है। सो छोटी एज के बुद्धा जी बने हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं भाई, बहुत क्यूट लग रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आता क्या लिखा हुआ बेसिकली, पीछे लैंग्वेज नहीं आती मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो ये आपने देख लिया विश्व का सबसे बड़ा शांति सूपा, अब चलते हैं बाहर की तरफ और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। काफ़ी ब्यूटीफुल सा था और नेपाल के अंदर था, और आज हम भी दर्शन कर पाए, आप भी कर पाए नेपाल के मेरे साथ दर्शन शांति सूपा के, वर्ल्ड के बिगेस्ट। तो चलते हैं एक आधी और चीज़ दिखाने के लिए आपको, यहाँ पे बहुत सारे टेंपल है बौद्ध धर्म के जो अलग अलग कंट्री ने बनाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, चलिए। एक घंटा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा सा है, इसे शायद बजा सकते हैं, नहीं ओहो ये तो बज भी नहीं रहा, बंद है लॉक्ड है, काफ़ी बड़ा सा है। ब्यूटीफुल तो बहुत जगह है भाई, ये कमल के फूल लगे हुए हैं भाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाई देखो, है ना, और पिंक कलर है, वाओ। सो ये रोड देखो कितनी खूबसूरत है ना, और ये पूरी रोड इंडिया ने बिल्ड करी है, कितनी खूबसूरत है, इसके आर्किटेक्चर और जो बिल्डर्स थे वो सब इंडिया से ही आए थे बिल्ड करने, और इवन जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा वो इंडियन गवर्नमेंट का लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो इंडिया की तरफ से बहुत टेंपल है ये जिसके अंदर हम जा रहे हैं, ऐसी हर कंट्री ने बनाया, इस वक्त पीछे थाईलैंड का था वो भी बंद हो गया, 2 बजे के आसपास खुलेगा, तो इंडिया का ओपन है, इंडिया वाले में अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पे बौद्ध टेम्पल सारे कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से और अपने अपने मतलब अपने अपने कंट्री में ना अलग अलग तरीके से वो लोग मतलब वर्शिप करते हैं लॉर्ड बुद्धा को, तो उनके हिसाब से उनके धर्म के हिसाब से तो पूरा टेम्पल बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, और जैसे वर्शिप वो करते हैं वैसे यहाँ वर्शिप कर सकते हैं। बेसिकली ये मानना है कि नेपाल के अंदर ही बौद्ध जी का जन्म हुआ था और वो लुमलाई यहीं पर हुआ था बेसिकली, तो यहीं पर सारे उनके टेम्पल्स हैं जितने भी हैं। तो अभी चल रहे हम इंडिया वाले में अंदर, सो काफ़ी ब्यूटीफुल है, आर्ट किया हुआ है दीवारों पे, पेंटिंग की हुई है, वाओ। चलते अंदर की तरफ, बड़ा सा घंटा है, वाओ काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो चारों तरफ बौद्ध जी की पेंटिंग बनाई हुई है, चारों तरफ मतलब वॉल के हर एक साइड में पेंटिंग है आप देखोगे तो।
वाओ। तो ये देख लिया आपने इंडियन टेम्पल, बगल में और भी है, कंबोडिया का है, नेपाल का है। तो पहले नेपाल देखते हैं, खुला होगा तो उसमें जाएंगे। हम कंबोडियन मोनेस्ट्री, जिस देश में मुझे जाना पसंद नहीं है वहीं का है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी मैं जाना नहीं चाहता आप वहाँ पे कभी भी। सो वहाँ का आर्किटेक्चर मैंने देखा हुआ है, सिमिलर वैसा ही आर्किटेक्चर है यहाँ के टेम्पल का। बौद्ध धर्म ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, इवन श्रीलंका में। हम सोचते हैं कि सिर्फ रावण जी को पूजा जाता होगा वहाँ पे, पर रावण के अलावा वहाँ पे ना बौद्ध जी को भी बहुत पूजा जाता है, ठीक है। और ये देखो आप, टेम्पल काफ़ी ब्यूटीफुल है ना, तो पास से और दिखाता हूँ आपको। काफ़ी दिन बाद मुझे कंबोडियन फ्लैग भी दिख गया है भाई। सो ये सांप वहाँ पे कॉमन है, काफ़ी जगहों पे आपको दिख जाएगा टेम्पल्स के बाहर। चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है इनका भी, इवन थाईलैंड का भी ब्यूटीफुल होगा, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से। तो वो लोग बौद्ध धर्म को बहुत फॉलो करते हैं। आप ये देखो, कुछ डिफरेंट है ना, काफ़ी डिफरेंट है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको जान के हैरानी लगेगी, मतलब इंडिया से बड़ा टेंपल, मतलब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा टेंपल कंबोडिया के अंदर है। हालांकि मैं वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ सबसे बड़ा टेंपल वहीं पर है। सो देखो, बहुत बारीकी ध्यान से देखो, बहुत बारीकी की नकाशी हुई हुई है, इतनी बारीकी से हुई, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसे सिंगल पैच उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर नकाशी नहीं की हो। और ऊपर पेंटिंग देखो, वाओ। बल्कि चारों साइड में ऐसे पानी दिखेगा आपको, काफी ब्यूटीफुल लगेगा। वाओ, चलते अंदर। फिर भी टच करना अलाउड नहीं है, लैंग्वेज नहीं समझ में आएंगी, पर फोटोज देख के आप समझ सकते हो काफी ब्यूटीफुल होता। और यहाँ पे भी चारों तरफ पेंटिंग आप देख सकते हो, वाओ। और ये पेड़ पूरा उल्टा बनाया हुआ है भाई, नेक्स्ट लेवल। आगे दिखाता हूँ आपको, मतलब एक सिंगल दीवार का पैच नहीं छोड़ा है खाली जहाँ पेंटिंग ना हो, सारे तरफ पेंटिंग आप देख सकते हो। सो बेसिकली बौद्ध धर्म की पूरी हिस्ट्री है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और ये देखो भाई, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है यार। मतलब मुश्किल से 10 किलोमीटर ही अंदर है नेपाल के, अगर आप आना चाहो तो। मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से ही पड़ता है, और बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये भी। और ये देखो, वाओ, यहाँ तो पेंट हुआ हुआ है, लेकिन असली आर्किटेक्चर देखोगे ना आप कंबोडिया, तो पूरा ऐसा होता है, ग्रे शेड में होगा और पेंट नहीं होगा, और काफ़ी ज़्यादा नकाशी होगी, काफ़ी मेहनत का काम होता है ये, नो डाउट। हम आ चुके हैं म्यांमार के टेम्पल में। सो गोल्डन टेम्पल नाम होता है इसका। और बेसिकली आपको बता दूं भाई, जितने भी मतलब छोटी कंट्री आए हैं कहने के लिए, म्यांमार हमारे इंडिया से बहुत छोटी कंट्री है, करेंसी ले वैल्यू भी इनकी बहुत कम है, और मतलब महंगाई हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और क्या मतलब तारीफ करूँ इन लोगों की, वैसे हमारा इंडिया तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है इनसे, तब भी यार हमारा टेम्पल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। थोड़ा मुझे थोड़ा डिसहार्टिंग सा लगा, अपने इंडिया के टेम्पल को भी अच्छा होना चाहिए था इनके टक्कर में। बौद्ध धर्म हमारे इंडिया में भी बहुत फॉलो किया जाता है, मतलब बुद्ध धर्म ना अपना बिहार के अंदर बौद्ध गया करके एक पूरी जगह है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। तो यहाँ पर टेम्पल बनाने में कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता, लेकिन पूरी हाईवे बनाया है इंडिया ने, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है यार। इस जगह पर, इस प्रमाइसेस के बाहर ना रोड नहीं बनी हुई, कच्ची रोड है, सारी रोडें बेकार हैं। इवन नेपाल की सारी रोडें अच्छी नहीं हैं, पर जो इस एरिया में जितने जोन में रोड बाहर की जा रही है ना हाईवे की, वो इंडिया ने बिल्ड करी है, और वो बहुत तगड़ी है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, झूठी तारीफ नहीं कर रहा भाई, जो मतलब है वो है। इवन इंडिया के पास एरिया भी कम है, वो टेम्पल के पास एरिया कम है, जो इंडिया वाला टेम्पल है इतना बड़ा एरिया नहीं है। या मे बी हो सकता है इंडिया का कोई और भी टेम्पल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखोगे कंबोडिया और म्यांमार का काफ़ी बड़ा एरिया यार, देखो कितना बड़ा एरिया है ना, काफ़ी बड़ा है। बुद्धा जी का स्टैचू देखो कितना बड़ा। सो भाई यहाँ तो टेम्पल क्लोज्ड है, ठीक है। आगे और एक टेंपल है, मतलब ऐसे 3-4 टेंपल है अलग अलग कंट्री के, सारे तो नहीं ट्रैवल करेंगे अपन, लेकिन हाँ जो मेन होगा, ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा बाहर से देख के, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं आगे। सो जब आप लोमला ही आओगे तो यहाँ पे सबसे फेमस टेंपल है माया देवी टेंपल, तो हम वहीं पहुँच गए, देखते हैं वो खुला है कि वो भी क्लोज्ड है। टाइमिंग थोड़ी हमारी गलत है, मतलब और टाइम आया हम बेसिकली, इसलिए क्लोज्ड है। शाम के 5 बजे आते तो सारे ही मंदिर खुले होते, लेकिन इतने मंदिर है कि सारे मंदिर आप एक साथ देख ही नहीं पाओगे, तो एक आधे आपको दिन में देखने पड़ेंगे, एक आधे आपको शाम को देखने पड़ेंगे, ऐसा हाल है। तो चलते हैं आगे। तो ये पूरा ही एरिया लोमलाई का पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप देखोगे तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बेसिकली, वो काफ़ी ब्यूटीफुल बन रहा है। तो ये देखो, बीच में से एक रिवर सी बनाई हुई है इन्होंने, आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप का कह सकते हैं, चारों तरफ पानी इधर भी है, और कनाल है बेसिकली, अंदर से पार कर रहा है पानी,
तो नीचे से मैं मोटर्स के थ्रू क्रॉस करके उस साइड से निकाल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाओ। लग नहीं रहा है कि ऐसा हम नेपाल के अंदर हैं, ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई बहुत बड़ी अच्छी कंट्री में आ गए हैं ना। काफ़ी ब्यूटीफुल सा है, वाओ। करो, पानी बिल्कुल साफ है, गंदा नहीं है पानी। जोत कभी बुझती नहीं है, परमानेंट चलती रहती है। सो जब से लगाई है तब से आज तक चल ही रही है, बंद नहीं हुई है कभी भी, और आगे भी चलती रहेगी। मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं आजकल सबकी जन्मभूमियों पे जा रहा हूँ। मतलब मैं राम जी की जन्मभूमि पे गया, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पे गया, आज मैं बौद्ध धर्म की जन्मभूमि पे आ गया, बौद्ध जी की जन्मभूमि पे। लगभग सभी की जन्मभूमि पे हो चुका हूँ। सो दिस इज लुम्लाई। सो मायादेवी टेम्पल, यहाँ ही पे बौद्ध जी का जन्म हुआ था। मतलब नेपाल में कहते हैं बौद्ध जी का जन्म हुआ था, और वैसे तो कई लोग ये भी मानते हैं कि बौद्ध जी का जन्म इंडिया में, मतलब कि बिहार के अंदर, बौद्ध गया के अंदर हुआ था। पर काफ़ी मिथ्स हैं, कंफ्यूजिंग है, पर यहाँ भी देखते हैं क्या है, क्योंकि बौद्ध जी के पैरों के निशान है वहाँ पे, तो वो चीज़ भी देखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे टेंपल्स बने हुए हैं, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ये मानती है, इवन इंडिया खुद भी ये मानती है कि यहाँ जन्म हुआ है। तभी इंडिया ने पैसा शायद लगाया है यहाँ पे, रोड वोड पे भी पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो सब लगा है। लेकिन बाकी ये जो जगह मैं अभी चल रहा हूँ, ये 2012 की बनी हुई है और नेपाल गवर्नमेंट ने बनाया, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये भी तारीफ़ करना बनता है भाई। देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, वाह। सबसे ब्यूटी है यहाँ के साइड के लेक्स की, जितना ये लेक्स बने हुए हैं आर्टिफिशियल, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। साइड से करा दूंगी, मतलब बॉडी दूंगी या फिर पाइप्स होंगी जिनके थ्रू पानी क्रॉस कर रहा होगा, तब ये पानी चल रहा है। सो भाई नेपाल के अंदर ना इंडियंस को लिए स्पेशल प्रिविलेज है। आप देखो, मतलब इंडिया के लिए अलग से ही प्राइस है, बाकी सबके लिए अलग प्राइस है। सो नेपाली को अगर यहाँ आते हैं, अगर आप टेंपल में, तो 20 रुपीज़ है टिकट का प्राइस, और इंडियंस के लिए 64 रुपीज़ है, और बाकी लोगों के लिए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्राइस है। हम प्लान सस्ते हैं, मतलब अपने लिए सस्ता है, प्रिविलेज मिल रहा है हमें इंडियंस होने का, फ़ायदा तो है। सो 64 रुपीज़ पर हेड पड़ा है, चलते हैं अंदर। सो भाई एक बात तो सच है, इंडियंस के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे नेपाल में आके। आपको लोग काफ़ी मतलब हेल्प भी करेंगे, और मतलब जो पुलिस वाले भी होंगे ना वो अपने आप गाइड करेंगे बिना किसी दिक्कत के, और कई जगहों पे आपको चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी इंडियन होने की वजह से। मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट के थ्रू है ना, फीस इंडियंस के लिए कम है, बाकी कंट्रीज़ के लिए महंगा है, 600 सीधा, और कहाँ 60, मतलब 10 गुना ज़्यादा फ़र्क, तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है भाई। तो आई एम बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस वक्त इंडियन हूँ मैं। बता नहीं सकता, काफ़ी खुश हूँ। यहाँ लिखा हुआ था स्कैन करने के लिए, अपन ने स्कैन कर लिया है। सो बेसिकली पूरी हिस्ट्री आ रही है यहाँ पर टेंपल की, इवन वीडियो भी है, और लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, हमने हिंदी चूज कर ली। माया देवी मंदिर इस पवित्र स्थल पर सभी स्मारकों का केंद्र है। इसमें मकर स्टोन, नेटिविटी स्कल्पचर और संरचनात्मक खंडहर हैं, जो भगवान शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। मकर स्टोन सटीक जन्म स्थान को इंगित करता है, और जन्म की मूर्तिकला राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म दृश्य को दर्शाती है। माया देवी मंदिर के अंदर संरचनात्मक खंडहर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं। इसमें पूर्व पश्चिम में 5 पंक्तियों में और उत्तर दक्षिण दिशा में 3 पंक्तियों में व्यवस्थित 15 बॉक्स कक्ष होते हैं, और साथ ही बाहरी दीवार से घिरा एक परिक्रमा पथ भी होता है। सो चलते हैं अंदर, कैमरा बना है जहाँ पे अलाउड होगा वहाँ देखेंगे हम वापस। अब ये बने हुए देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कि पत्थर लगे हुए हैं, ऐसे कुछ पत्थर अंदर लगे हुए थे, पर उनका स्टोन का कलर अलग था, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, अंदर ना एक जगह थी जहाँ पे ना गोल सा बना हुआ था, कांच लगा था उसके ऊपर। अगर आप वहाँ से ध्यान से देखो तो आपको बकायदा बुद्धा जी के पैर के निशान दिखेंगे। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि बुद्धा जी यहीं पैदा हुए थे, और वो पैरों का निशान भी जो है वो बुद्धा जी के है। तो वो जगह थी पूरी, काफ़ी ब्यूटीफुल सी थी। अंदर मोबाइल निकालना तक अलाउड नहीं था, तो रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, तो हमने रिकॉर्डिंग की नहीं। जो चीज़ जहाँ पे जैसी है वैसे ही रहनी चाहिए ना, तो जहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ अलाउड नहीं है। बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल था, अगर आपका मन करे तो आप आके देख सकते हो, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल थी। चलते हैं बाहर की तरफ और आपको और चीज़ भी दिखाते हैं। तो अभी हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिली है, कि नॉलेज ये मिली है भाई कि जो ये पूरा टेंपल बना है वो अशोका द ग्रेट, हमारे इंडियन रूलर थे, उन्होंने बनाया था भाई। काफ़ी बढ़िया लगा सुन के वो भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो बौद्ध जी थे ना, बेसिकली वो अपने मामा के घर जा रहे थे, तो ये बीच का पैच था, जो उनकी मदर थी वो यहाँ थी, और बेसिकली उनका जन्म इसी जगह पर हुआ था, तो वही प्रूफ था उस जगह का। काफ़ी सारी मतलब बाहर के भी एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, तो उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ ये पुराना टेंपल बना हुआ था यहाँ पे काफ़ी। तो अभी उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ होगा 2012 में, और अब ये पूरा कुछ ऐसा दिखता है।